सुंदरनगर क्षेत्र में एक साथ दो महिला उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। पहले मामले में 14 वर्षीय नाबालिग ने 70 वर्षीय आरोपी पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के पिता की शिकायत पर बीएसएल कॉलोनी पुलिस थाना ने आरोपी द्वारा नाबालिका से फोन पर पिछले 2 माह से अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह आरोपी की इन हरकतों से मानसिक तौर पर प्रताड़ित हुई हैं। वहीं दूसरे मामले में सलापड़ क्षेत्र की एक महिला ने सुंदरनगर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह ने कहा कि दोनों मामलों में परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, मामलों में जांच जारी है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा।